गाइस माय टू ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं सद्दाम भाई ब्लॉग और आज जो मैं काम करने वाला हूं वो मेरा प्लम्बिंग से रिलेटिव काम है और आज उस जगह पे आपको दिखाएंगे जहां पर से बहुत ज़्यादा रिस्क है गाइस और थोड़ा सा काम करने में बनता नहीं है, वहां पर बैलेंस नहीं बन पाता है तो दिक्कत तो होता ही है, हर चीज़ में दिक्कत होता है। जब तक आप कोई चीज़ में मेहनत नहीं करेंगे, जब तक आप सफल नहीं हो सकते हैं तो मेहनत की ज़रूरत और मेहनत के साथ साथ हौसलों की ज़रूरत होती है। हौसला और हिम्मत दोनों चाहिए, तो इंसान को अपने आप में हौसला रखना चाहिए, हिम्मत रखना चाहिए। जो चीज़ नहीं होने वाला है वो इंसान ही सब चीज़ करता है, तो हिम्मत से आगे बढ़ना चाहिए और करना चाहिए। तो आपको दिखाएंगे किस तरह से हम वहाँ पर काम करेंगे और बहुत ही रिस्क है। तो गाइस अगर मेरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ भाई की चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाएं। इससे क्या होगा कि मेरा पहला नोटिफिकेशन आप तक पहुंचेगा और जब मेरा पहला नोटिफिकेशन आपको मिलेगा तो मेरी पहली हर वीडियो मेरी आपके पास पहुंचेगी। और अगर फेसबुक पेज पे है गाइस तो मेरी पेज को फॉलो ज़रूर करें, अगर मेरी पेज को आप फॉलो करते हैं तो वहाँ पर मुझे सपोर्ट मिलता है। तो बस ऐसा ही भाई के साथ प्यार बनाए रखिए, आपको दिखाते हैं कि किस तरह से हम वहाँ पर काम करेंगे। अभी हम लोग काम कर रहे हैं, प्लम्बरिंग का काम कर रहे हैं और मेरा प्लम्बर वर्क हम आपको इससे वीडियो पहले बता रखे हैं और देख सकते हैं कितना रिस्क है और ना कोई सेफ्टी बेल्ट है, लेकिन हाँ कहीं ना कहीं दिक्कत नहीं होगा क्योंकि मैंने भाड़ा बांध रखा है, लेकिन रिस्क ज़्यादा होता है गाइस, रिस्क ज़्यादा होता है। तो आप देख सकते हैं, थोड़ा सा नीचे दिखाइएगा उस साइड, देखिए कितना नीचा है, बहुत ही नीचा है गाइस और देख सकते हैं बहुत ही रिस्क है और रिस्क के साथ काम करना पड़ता है। तो गाइस देखिएगा ना बैठने का कोई रास्ता बन रहा है, देख सकते हैं अगर हल्का सा बैलेंस अगर गड़बड़ाता है तो सीधे नीचे जाते हैं। तो कहीं ना कहीं उम्मीद है कि काम को सही से कर लेंगे आज, और ये थोड़ा सा काम बचा हुआ है और इतना सा काम के लिए सोचते हैं क्या सेफ्टी बेल्ट लगाएंगे अभी, लेकिन हाँ जो है रिक्स है, रिक्स में ही सब चीज़ मिलता है। तो सोचते हैं कि मात्र एक बित्ता बचा हुआ है और इतना अगर तोड़ देते हैं तो सारा काम गाइस हो जाता है। तो देखिएगा किस तरह से है काम कर रहे हैं गाइस, हथौड़ी चलाने में भी नहीं बन रहा है, देख सकते हैं रस्सी भी यहाँ पर रुकता है गाइस, देख रहे हैं, देख सकते हैं कितना अंदर से बदन भी जो है एकदम धक धक करता है कि अगर बाई चांस बैलेंस ख़राब होता है तो कुछ भी हो सकता है। तो गाइस ऐसे भाई को सपोर्ट आप कीजिए और सपोर्ट करेंगे तो कहीं ना कहीं आगे की तरफ बढ़ेंगे, तो आपकी सपोर्ट की काफ़ी दरकार है गाइस। और जैसे टूट जाता है तो आपको दिखाएंगे कि मेरा क्लियर काम हो चुका है गाइस, तो आप मेरी ब्लॉग में गाइस बने रहें और देख सकते हैं पूरा यहाँ से आपको दूर दूर तक दिखाई देगा, इतना ऊपर है जैसे लग रहा है क्या कि हम लोग काफ़ी यानी हवाई जहाज़ की तरह ऊपर आ गए हैं, तो हंसी भी लगता है। अब मैं थक गया हूँ तो अब हट चुका हूँ, अब थोड़ा सा नीचे से तोड़ना होगा गाइस। तो ये जो मेरे साथ मेरा भाई है, हमारे साथ रहता है, इसका नाम इमरान है और ये देखिए नीचे की तरफ जा, आराम से जाना भाई, ठीक है, जान है तो जहान है, आराम आराम से नीचे की तरफ जाना और आराम से बैठो, देख सकते हैं गाइस। पूरा जगह आराम से बना लो, है ना, कंफर्टेबल है, अच्छा देख रहे हैं नीचे से, देख सकते हैं गाइस आपको पीछे की तरफ से उसको दिखा रहे हैं और देख सकते हैं पीछे पूरा नीचे, आप दूर दूर तक देख सकते हैं कितना काफ़ी नीचे है। और अब हम थके हैं तो भाई को बोले थोड़ा सा आप हेल्प करो, तो नीचे की तरफ से बेचार भाई मेरा तोड़ रहा है, अब वो तोड़ के वहाँ से हटेगा तो फिर पाइपलाइन का काम उसमें हम करेंगे गाइस। अगर दिक्कत हो तो फिर आराम से करना है ना, 10 मिनट लेट होगा कोई बात नहीं, काम आराम से होना चाहिए। तो गाइस ऐसे ही मेरा ब्लॉग देखिए, अच्छा लगे तो भाई को शेयर कीजिए और आप लोगों की प्यार की हमेशा मुझे दरकार है और आप लोग मेरी सपोर्ट करें प्लीज़ गाइस, भाई को ढेर सारा प्यार आप लोग बनाए के रखिए मेरे साथ, आपका प्यार मेरे लिए जीवन की हर एक खुशियाँ की तरह, हर एक शाम मेरा बीतता है और बहुत ही खुशी होता है जब आप लोग मेरा इतना प्यार और सपोर्ट देते हैं। देख सकते हैं गाइस इधर जो है ये पूरा बाँस का पेड़ है, देख सकते हैं ये पूरा, और नया घर बन रहा है इस जगह पे। तो गाइस देखिए किस तरह से हम काम कर रहे थे और मेरा भाई जो मेरे साथ काम कर रहा था वो भी किस तरह से कर रहा था। रिस्क है और रिस्क के साथ साथ हर चीज़ होता है, तो मैं तो आपको पहले ही बताया हूँ।
तो भाई की ब्लॉग को देखिए और भाई को शेयर कीजिए। अगर भाई के चैनल को अगर आप शेयर करते हैं तो हर लोगों तक पहुंचेगा और कहीं ना कहीं मुझे सपोर्ट मिलेगा। तो आपकी सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है गाइस, तो प्लीज़ भाई को आप सपोर्ट कीजिए और भाई को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और भाई के साथ प्यार बनाए रखिए। तो फिर आपको फिर एक नई वीडियो के साथ मिलते हैं, तो जब तक के लिए इजाज़त दीजिए, फिर मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।